गुजरात में 9 दिन तक चलने वाले गरबा महोत्सव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अहमदाबाद में रहने वाले अनुज मुदलियार ने एक आकर्षक पगड़ी तैयार की है। इसे रामराज्य नाम दिया है और यह पगड़ी इस साल नवरात्रि के दौरान गरबों में आकर्षण का केंद्र रहेगी, क्योंकि अनुज मुदलियार 3 किलो की इस पगड़ी के साथ 9 किलो की गरबा परिधान पहनकर गरबा खेलेंगे। अनुज की ओर से हर साल विशेष पगड़ी तैयार की जाती है। इस बार उन्होंने रामराज नामक पगड़ी तैयार की है। पगड़ी में गुजराती संस्कृति की झांकी के अलावा चंद्रयान 3 को भी प्रमुखता से दर्शाया गया है। इसके अलावा पगड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की प्रतिकृति को भी जगह दी गई है। अनुज ने इस पगड़ी को करीब 3 महीने में तैयार किया। मैं हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही सुंदर मजा की पगड़ी लेकर आया हूं, और ये जो मेरी पगड़ी है उसका नाम है राम राज्य पगड़ी। जो राम राज्य नाम पगड़ी मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि उसमें मैंने राम मंदिर रखा हुआ है अपनी पगड़ी में, और अपने जो नरेंद्र भाई मोदी है उनको भी रखा हुआ है। अच्छा, खास इस बार आपने चंद्रयान 3 को लेकर भी कुछ मैसेज देने का प्रयास किया है? जी हाँ, बिल्कुल से। इस बार मैंने इसीलिए चंद्रयान 3 भी अपनी पगड़ी में रखा हुआ है क्योंकि वो जो बोलते ना कि पूरे विश्व को गर्व की बात है, इसीलिए इस बार मैंने मेरी पगड़ी में चंद्रयान 3 भी रखा हुआ है। खास करके ये पगड़ी का वजन कितना है और बनाने में कितना समय लगा और कहाँ से ये विचार आया भाई? जी हाँ, मैं जिसे हर साल वेट करता हूँ कि भाई मुझे कौन से थीम पे अपनी पगड़ी बनानी है, तो बोलते ना कि पूरा साल वेट करने के बाद ही अपने को आइडिया आता है कि भाई नहीं, अभी इस बार नवरात्रि आ रही तो नया क्या लेके जाना है। तो पगड़ी बनाने में मुझे मैक्सिमम समय जो लगता है वो 2 से 2.5 महीने का लगता है।